शनिवार को सुबह हुई बारिश के दौरान कलेक्टरगंज थाना के शक्करपट्टी इलाके में एक 100 साल पुराना जज्जर मकान भरभराकर गिर गया। अचानक गिरे मकान से आसपास के रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। गलीमत रही कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, आपको बता दें। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने नगर निगम की टीम को बिल्डिंग गिरने की सूचना दी। नगर निगम की टीम द्वारा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। क्षेत्रीय पार्षद शिवम दीक्षित ने बताया कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है, मकान के साथ बड़ा पेड़ भी गिर गया। आपको बता दें कि शनिवार सुबह से डेरा डाले बादलों ने सुबह करीब 11:30 बजे से बरसात शुरू कर दी। करीब 2 घंटे तक जमकर बारिश हुई। शहर में शुक्रवार को बेहद कम बारिश हुई थी, लेकिन शनिवार को बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। बारिश के शुरू होते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। वहीं कानपुर में बीते 24 घंटे के दौरान 57.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। आज भी बारिश के पूरे आसार बने हुए हैं। तो वहीं सुबह से काले बादलों ने कानपुर के ऊपर डेरा डालना शुरू कर दिया था। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 7 अगस्त की बजाय अब 2 दिन और बारिश की संभावना बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।